डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करना चाहते हैं। आइए तो आप और हम दोनों मिलके इनडेफिनेट इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी की है उससे शुरुआत करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डीएक्स। तो इस इंटीग्रल को देखें आज हम किस आसान तरीके से कैसे करें। तरीका एक है इसका कि इसके फैक्टर बना दें और इसके फैक्टर बना देंगे तो फैक्टर इस तरह से होंगे एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी फैक्टराइज करें 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए जाए। पर ये काफी लंबा टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शंस। मैं आपको आसान सी तरकीब बताता हूं इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने की। I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डीएक्स और इस इंटीग्रल को करने के कई फायदे हैं। आपका इंटीग्रल नंबर 4 मिसलेनियस का इंडेफिनेट इंटीग्रल का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा है। तो देखें इस इंटीग्रल को कैसे डील करेंगे। ये हम अल्टरनेट मेथड से करते हैं इसको 1 अपॉन एक्स क्यूब कॉमन ये होगा एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 डीएक्स। इसे आप लिख पाएंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज टी बिकॉज इट्स डेरिवेटिव इज दिस। सी लेट अस सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज डीटी बाय डीएक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब विच यू कैन राइट डी टी अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इस इंटीग्रल को इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चाहें तो आप इसे आसान से इसमें लिख लें फिर आप फॉर्मूला यूज करें एक्स टू द पावर एन के डिफरेंशिएशन का एन एक्स एन माइनस 1। देयरफॉर Your integral I becomes, therefore this I integral will be, देखिए I integral क्या होगा dx upon x cube, dx upon x cube will be replaced by dt upon minus 2, because dx upon x cube is dt upon minus 2. And this 1 by x square minus 1, 1 by x square minus 1 देखिए 1 by x square minus 1 आप पीछे देखते जाएं कि कहां क्या क्या किए हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया था तो 1 by x square minus 1 is t, therefore 1 upon x square minus 1 को हमने रिप्लेस किया t से 1 upon x square minus 1 को और 1 by x cube dx हमने रिप्लेस किया dx by x cube को dt upon minus 2 से। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। इफ नथिंग इज देयर यू कैन कंप्लीट इट बाय पुटिंग 1 इन डिनोमिनेटर। तो क्या होगा 1 ऊपर आ जाएगा। देखिए देयरफॉर द इंटीग्रल आई विल बी इस आई को अब लिख पाएंगे हम dt इनटू दिस 1 विल रिमेन dt अपॉन माइनस 2 इनटू t माइनस 2 t। अब अपने को मालूम है वी नो दैट स्केलर क्वांटिटी कैन बी टेकन कॉमन देयरफॉर दिस माइनस 2 विल बी टेकन कॉमन
एंड द इंटीग्रल विल बी dt upon t. और अब हमें मालूम है, नाउ वी नो दैट व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ dx बाय x, log x. देयरफॉर सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी log ऑफ mod of t प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c. ये इंटीग्रल आप क्यों लिख पाए, बिकॉज वी नो दैट dx बाय x इज log ऑफ mod x प्लस c. तो ये इंटीग्रल हो गया -1/2 log ऑफ mod ऑफ t प्लस c. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t. तो t का वैल्यू आप देखें पीछे जाके क्या है, 1/x²-1 -1/2 log ऑफ 1/x²-1 प्लस c. और अब आप चाहें तो यहां एलसीएम ले ले. अब अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल -1/2 log ऑफ 1 - x²/x² + c. अगर आप यहां तक भी लिखते हैं -1/2 log ऑफ 1 - x²/x² + c तो भी आपका आंसर माना जाएगा. इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन अप टू दिस स्टेप इवन दिस विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप चाहें कि आप इंटीग्रल का जो इसका जो आंसर है अब बुक के जैसा देखना चाहते हैं तो इस माइनस क्वांटिटी को आपको अंदर ले जाना होगा. तो जब माइनस क्वांटिटी अंदर जाएगी तो ये आपका इंटीग्रल इस तरह का होगा. देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगी तो ये अंदर की क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x²/1 - x²+c. ये क्यों हुआ, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ये एक प्रॉपर्टी है माइनस log p. इसका बेस अगर नहीं दिया तो हम क्लास 12th में e कंसीडर करते हैं, अदरवाइज लोग ln भी लिखते हैं इसके लिए. अब इसको आप लिख सकते हो -1 log p, और ये -1 जब पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा log p^-1, और log p^-1 विल बी log 1/p. तो डायरेक्ट आप इस प्रॉपर्टी को याद रखें. क्या प्रॉपर्टी, -log p इज सेम एज log 1/p. यही प्रॉपर्टी हमने यहां यूज की, माइनस अंदर भेजा तो ये क्वांटिटी इन्वर्ट हो गई और हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया. इंटीग्रल ऑफ दिस आई 1/(x - x³) विच इज 1/2 log ऑफ x²/1 - x². अब आप जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप पाएंगे कि इसी मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और उसके बाद आप पाएंगे कि यू विल फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 भी लगभग सेम मेथड से करेंगे हम. तो विश यू ऑल द बेस्ट. अब आप अगला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देखें, प्रॉब्लम नंबर 2.